साथियों, तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। और देखिए, ये देखकर केसीआर के परिवार के लोगों ने भी उसमें भी घर में बिखराव शुरू हो गया है। अपनी हार सामने देख केसीआर एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जनता का आक्रोश थोड़ा ठंडा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ केसीआर के रिश्तेदार अब बीआरएस को ही कोस रहे हैं। 3 दिसंबर के बाद तो ये लड़ाई और तेज होने वाली है। भाजपा सरकार आने के बाद जब यहां लीकर स्कैम की जांच तेज होगी, मोबाइल हो या फिर पैसे की डिलीवरी, स्थानीय स्तर पर हर तार को खंगाला जाएगा और केसीआर की भगदड़ मचनी तय है। आप याद रखिए साथियों, ये बीजेपी ही सरकार है जो बीआरएस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर सकती है। और मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अगर यहां गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर वो तेलंगाना को भी अपना एटीएम बना लेगी। तेलंगाना के लोग ही तेलंगाना को फिर कुछ साल पीछे होने से बचा सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आना यानी गरीब कल्याण की हर योजना में लूट। मेरा तेलंगाना के लोगों से आग्रह है, और मेरी एक बाकी कुछ ना समझो तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना, मेरा आपसे आग्रह है, एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी मत लाइए। ये कांग्रेस उससे भी दूसरी बीमारी है। कांग्रेस पर कभी भरोसा मत करना। कांग्रेस का तो एजेंडा ही है, कांग्रेस आई तबाही लाई। पहले से विकास में इतना पिछड़ चुके तेलंगाना को कांग्रेस बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप बीजेपी पर भरोसा कीजिए, मोदी पे भरोसा कीजिए। आपने मेरे काम को देखा है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बीजेपी तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी, बीजेपी तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार देगी, बीजेपी तेलंगाना के छोटे किसानों की परेशानियां दूर करेगी, बीजेपी यहां की महिलाओं का जीवन आसान बनाएगी, बीजेपी यहां बीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाएगी, बीजेपी यहां मादी समाज को न्याय दिलाएगी। आपको पता ही है कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में फिर एक बार देश की जनता ने मोदी की सेवाएं लेना तय कर लिया है। मुझे यहां भी बीजेपी सरकार का साथ मिलेगा तो तेलंगाना के लिए काम करने में मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को जिताइए, यहां बीजेपी के हर उम्मीदवार को दिया आपका वोट मोदी को मजबूत बनाएगा।